सेवादार और भू माफिया मिल करके इसको जो है फर्जी दस्तावेज तैयार करके बेचने के फिराक में थे। और ये बात लीक हो जाने के कारण बर्मा देश के जितने भी भिक्खु संघ हैं सारनाथ बोधगया और कुशीनगर में उनको निर्देशित कर दिया गया है कि सभी तथ्यों की और उन जो बनते आए थे उनको भी सुनकर संपूर्ण इसकी जांच कर अगर कोई उसमें लोकतंत्र हमारी संजीवनी गणतंत्र आधुनिक भारत की जननी लोकतंत्र जिसमें बस्ती बढ़ती जन जन की आशा। प्रदेश की योगी सरकार जहां भूमाफियाओं पर अपने कड़े तेवर रखती है वहीं जनपद में एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे बुद्ध की धरती से जाने वाले इस जनपद में बुद्ध के ही अनुयायियों के साथ फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। मामला जनपद मुख्यालय के स्टेशन रोड स्थित बर्मी बुद्ध विहार का है जहां पर इस बुद्ध विहार को भूमाफिया बेचने में लगे हुए हैं। इस संबंध में भिक्खु प्रभारी बर्मी बुद्ध विहार ने जिलाधिकारी सिद्धार्थ नगर को एक पत्र सौंप न्याय की गुहार लगाई है। बाद में मीडिया से बात करते हुए प्रभारी भिक्खु आलार कलाम ने बताया कि यह स्थल प्राचीन बौद्ध मठ है जो वर्मा देश के भिक्खु डॉक्टर ईएन वंथा ने स्थापित किया था जिन्हें हिंदी भाषा का ज्ञान ही नहीं था। संबंधित नकल के अनुसार चकबंदी अधिकारी नौगढ़ के पत्र के अनुसार उनका नाम खारिज कर संत कुमार पुत्र भूनु ग्राम बंजरहा व राम नरेश पुत्र भदई रामगढ़ भैरहवा के रूप में अंकित कर दिया है। जिलाधिकारी से पत्र लिखकर ये निवेदन किया है कि प्राचीन वर्मी बुद्ध विहार के फर्जी मालिकों के नाम से खारिज करवाते हुए इस मठ के अस्तित्व की रक्षा करने की कृपा की जाए। वहीं इस मामले को लेकर जिलाधिकारी ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, मामले में जांच के लिए उप जिलाधिकारी को निर्देशित किया है, मामले में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। हाँ बताइए, आज आप लोग मिलने आए जिलाधिकारी से, क्या मामला? जी श्रीमान जी, मैं भंते आलार काला प्रभारी बर्मी बौद्ध विहार सिद्धार्थ नगर नौगढ़ का। दरअसल यहाँ के 1957 में बर्मा देश के भिक्खु डॉक्टर यू नंदवंथा के द्वारा एक बर्मी बौद्ध विहार की स्थापना होती है रेलवे स्टेशन के ठीक सामने, और पिछले 35 साल से ये खाली पड़ा रहा लगातार, और इसका अवसर पा करके जो है यहाँ के कुछ सेवादार और भू माफिया मिल करके इसको जो है फर्जी दस्तावेज तैयार करके बेचने के फिराक में थे। और ये बात लीक हो जाने के कारण बर्मा देश के जितने भी भिक्खु संघ हैं सारनाथ बोधगया और कुशीनगर मिल करके जो है इस पर विचार किया और मीटिंग में प्रस्ताव पारित करके हमको यहाँ पे नियुक्त करके भेजा। इसकी जांच पड़ताल किया मैंने तो इस बात की पुष्टि हुई कि इसको सच में ये लोग जो है अवैध बिक्री कर रहे हैं, जिस पर जो है मैंने जांच पड़ताल जब जारी किया तो उसी समय जो है इन लोगों ने हमको जो है ऑफर भी किया पैसे कौड़ी लेकर के आप यहाँ से चले जाइए, मैंने नहीं माना। उसके बाद ये लोगों ने धमकी देना चालू किया और अंततः 11 जनवरी को जो है इन लोगों ने हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया, और उस मामले पे आज तक जो है मेरा मुकदमा कायम नहीं हो पाया, जिसके संदर्भ मैंने अभी एसपी साहब से जो है जाकर के मिला भी, और अभी डीएम साहब के यहाँ आया इसलिए कि जो है कि जो खतौनी के साथ जो है मठ के इन लोगों ने छेड़खानी करी है उसका जांच पड़ताल होना चाहिए, क्योंकि सन्यासियों का कोई अपना जो है निजी संपत्ति नहीं होता है, लेकिन जो अरबों और करोड़ों रुपए का मठ स्थापित करते हैं वो जो हमारे श्रद्धालु लोग होते हैं उनके दान से बनता है, इसलिए बैनामा भी नहीं कर सकते हैं, दान भी नहीं कर सकते हैं, जो फल भले संस्थापक क्यों ना हो, लेकिन इसको तमाम फर्जी दस्तावेज लेकर के कई लोग जो है दिखाते हैं कि हमको बैनामा कर दिए, हमको दान दे दिए, हमको वसीयत कर दी, ऐसी परंपरा जो है किसी भी मठ के साथ में नहीं होता है। तो इसके साथ में जो छेड़खानी हुई है आनंद कुमार सुबोध कुमार आदि लोगों के नाम पर जो है खतौनी आई है, ऐसा हमारी परंपरा नहीं होती है, इसकी जांच होनी चाहिए और इस पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ पर चूंकि बर्मी बौद्ध मठ है, भारत देश की गरिमा जो है खराब हो रही है कि
विदेशी लोग जो है यहाँ पर मठ स्थापित करते हैं बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए, और ये लोग विदेश की जो है मठों को ही कब्जा करना शुरू कर देते हैं, उसको खाली करवाना शुरू कर देते हैं, उसके साथ दस्तावेज के साथ छेड़खानी करते हैं। इसका जो है विदेशों में गलत मैसेज जा रहा है। बहुत ही कृतज्ञ भाव से जो है दुनिया के लोग, जिन लोगों ने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से अपना कल्याण साधा, वो लोग आज इस चीज़ का महसूस करते हैं कि बुद्ध की शिक्षाओं की आवश्यकता आज भारत को स्वयं है। इसी जो है बात को विचाराधीन रखते हुए और पर्यटकों की सुविधा के लिए यहाँ पर जो है भारत के अंदर में तमाम बौद्ध तीर्थस्थलों के आसपास जो है मठ बनाए जाते हैं, और भारतीयों के द्वारा ये सब किया जा रहा है। ये सब अच्छा संकेत नहीं है। निश्चित रूप से भारत की छवि खराब हो रही है, और हमारे जो भी जो है लोग हैं भारतीय, क्या आश्वासन मिला है आपको, सपोर्ट करें क्या कि इस मठ की जो है सुरक्षा हो सके। ये सपोर्ट भी जो है डीएम साहब से मिला तो उन्होंने आश्वस्त किया कि मैं इसकी जो है गहन जांच पड़ताल करवाता हूँ। सर एक मामला सर बर्मीपुर बिहार का है, जो कि वहाँ के भंते बता रहे हैं कि जमीन को कब्जा किया जा रहा है, तो सर इस पे क्या? ये आज ही कुछ व्यक्ति आए थे जो बुद्ध बिहार से भंते, उन्होंने कहा था कि उनकी जमीन है जिसके संबंध में कुछ रिकॉर्ड नहीं मिल रहे हैं, या फिर रिकॉर्ड में कुछ गड़बड़ की संभावना उनके द्वारा व्यक्त की गई थी। तो उसी के क्रम में उपजिलाधिकारी नौगढ़, जिनके क्षेत्राधिकार में ये स्थित है, उनको निर्देशित कर दिया गया है कि सभी तथ्यों की और उन जो भंते आए थे उनको भी सुनकर संपूर्ण इसकी जाँच कर अगर कोई उसमें दोषी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करे और जो भी विधिक कार्रवाई है वो आगे की। सर एक तरह एक मठ माना जाता है तो उसे कब्जा किया जाता है, तो गलत संदेश जाता नहीं? ये इसके लिए प्रशासन पूरी तरह संवेदनशील है, और किसी भी प्रकार की इस प्रकार की गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर जांच में इस प्रकार की घटना की पुष्टि होती है और जो भी जिम्मेदार है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।